देखो ये सलमान भाई है। सलमान भाई से आए ओके 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 ओके। साइकिल पर दिखा सलमान का जबरदस्त अंदाज। फैंस और सलमान के बीच देखिए ये अनोखी मोमेंट। हमेशा से ही सलमान खान अपनी स्टाइल और अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से अपने फैंस और आम दर्शकों का दिल जीतते आए हैं। भले ही वो बड़ी सुपरस्टार हो, लेकिन वो जिंदगी आम लोगों की ही तरह जीना पसंद करते हैं और ये कई बार हमें देखने को मिल जाता है। दरअसल दोस्तों, सलमान खान बाईसाइकिल राइडिंग करने की बहुत शौकीन है। उन्हें बाईसाइकिल राइडिंग करना काफी पसंद है और कई बार हमने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहां सलमान खान अपने घर के बाहर बाईसाइकिल राइड करते नजर आए हैं। अब एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां सलमान खान बाईसाइकिल राइडिंग करते नजर आए हैं। मुंबई के सड़कों पर दिखे भाईजान बिना सुरक्षा ही अकेले अकेले बाईसाइकिल राइड करते दिखे है। दरअसल जब भाईजान सड़कों पर बाईसाइकिल चला रहे होते हैं तो उस दौरान उन्हें एक ऑटो रिक्शा वाला देख लेता है। ऑटो रिक्शा वाला भाईजान को देखते ही वो उनके साथ ही साथ अपनी ऑटो रिक्शा चलाता है और वीडियो बनाने लगता है, जहां वो भाईजान को वीडियो पर देख हाय बोलने को कहता है, जहां सलमान खान हाय भी कहते हैं। साथ ही साथ उस ऑटो रिक्शा वाले को अपनी ऑटो पर ध्यान देने को कहते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। फिर वो भाईजान की बात सुनकर तुरंत ही वहां से निकल जाता है। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और फिर एक बार एक फैंस और भाईजान की ये मोमेंट देख सोशल मीडिया पर सलमान के इस व्यवहार की काफी तारीफें की जा रही है। हालांकि ये वीडियो के सामने आने के बाद कई फैंस सलमान को लेकर फिकरमंद भी हो रहे हैं, क्योंकि हालिया दिनों में इस तरह भाईजान का अकेले निकलना किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि पिछले काफी वक्त से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंगस्टर धमकियां दे रहा है। हालांकि सलमान ने उन धमकियों को नकारते हुए बाईसाइकिल राइडिंग करते देख फैंस कह रहे हैं कि भाईजान को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनके दुश्मन काफी है। यहाँ तक कि कुछ फैंस ऐसे भी है जो भाईजान की इस डेयरिंग पर उनकी तारीफें कर रहे है। हालांकि कई लोग सलमान को सुरक्षा के साथ रहने की हिदायत दे रहे हैं। वैसे आप क्या कहना चाहोगे सलमान और फैंस के बीच इस प्यारी मोमेंट पर, हमें कमेंट में जरूर बताइए।